अंदर से कैसे फीलिंग आ जाता है मेरे भाई, आपने उधारी में ऑलरेडी स्मार्टफोन लिया है, यहाँ पे सैडली पॉकेट में पैसा तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे ईएमआई का ऑप्शन दे के लोगों को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रैप किया जाता है। दोस्तों ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ई वाला वीडियो अगर आप देख लेते हैं ना, तो आपको 110% हम बता रहे हैं गारंटी के साथ कि आपका पैसा बचने वाला है, क्योंकि बहुत ही अच्छा सलाह मशवरा आपको हम देंगे। क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे कि भाई कितना पैसा लगाया जाए जिससे आपको एक वैल्यू फॉर मनी वाला डिवाइस मिल जाए बजट में, और साथ ही साथ जब आप उसको सेल भी करो तो आपको एक अच्छा रेट मिल जाए। और लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे भाई बजट वाले स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर फ्लेक्सी वाले स्मार्टफोन लेना चाहिए। अब डिस्क्लेमर के तौर पे एक चीज हम यहाँ पे क्लियर आउट कर देना चाहते हैं कि जिन लोगों के पास अंधा पैसा है, जिनको पैसे की कमी नहीं है, वो इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उनको शायद मेरी बातें पसंद ना आए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई महंगा वाला स्मार्टफोन ले ले या फिर कम दाम वाले स्मार्टफोन को लेके कुछ पैसे बचा ले। कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा रहता है खास करके बजट सेगमेंट में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कोई भी स्मार्टफोन लीजिए, फिर चाहे वो महंगा स्मार्टफोन लीजिए, सस्ता स्मार्टफोन लीजिए या फिर मिड रेंज वाला स्मार्टफोन लीजिए, एक चीज तो आपके दिमाग में बोले तो आपके भेजे में एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप स्मार्टफोन किस पर्पस के लिए ले रहे हो, आपका यूज क्या है। उस हिसाब से अगर आप डिसीजन लोगे ना, उस हिसाब से अगर आप स्मार्टफोन को खोजोगे ना, तो हमको लगता है ना कि आपका 50% यहाँ पे काम हो जाता है। अगर आपको कैमरे के हिसाब से कोई स्मार्टफोन लेना है तो आपको ये देखना है कि आपका जो बजट है ना, उसमें कैमरा वाला फोन कौन कौन सा यहाँ पे आ रहा है। उसमें आपको ये दिमाग फिर नहीं लगाना है कि उसमें आपको परफॉर्मेंस भी मिल जाए। उसी तरह से अगर आपको गेमिंग वाला स्मार्टफोन लेना है ना, तो वहां पे आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिल रहा है कि नहीं, प्रोसेसर जो है आपको टॉप नॉच का मिल रहा है कि नहीं, स्टोरेज टाइप उसमें क्या दिया गया है, रैम टाइप उसमें क्या दिया गया है, उसका यूआई किस टाइप का काम करता है, ऑप्टिमाइजेशन किस टाइप का है, ये सारी चीजें आपको वहां पे फाइंड आउट करना है। और अगर आपको ऑलराउंडर वाला स्मार्टफोन लेना है तो वहां पे आपको थोड़ा थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज हर एक चीज में करना पड़ेगा। कैमरा के हिसाब से अगर कोई स्मार्टफोन खोज रहे हो तो आपको ये देखना है कि भाई उसमें सेंसर बताया जा रहा है कि नहीं, कि सोनी का सेंसर है या फिर लाइटिया का सेंसर है या फिर फलाना ढिमकाना जो भी सेंसर है, वो कौन सा सेंसर है जो कंपनी उसमें यूज कर रहा है, वो चीजें आपको वहां पे पता करना पड़ेगा। अब ये तो आपने पता कर लिया कि आपका पहला प्रेफरेंस जो है कैमरा है, परफॉर्मेंस है, उसके बाद बैटरी है, उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट खेला स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ पे YouTube खोलते हो और YouTube खोलने के बाद क्या करते हो भाई, रिव्यू वगैरह चेक करते हो, सीधी सी बात है, और यहीं पे जो है गेम चेंज हो जाता है। आपने जो है कोई 25,000 के अंदर कोई स्मार्टफोन को यहाँ पे पसंद कर रखा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे वीडियो देखते हो, आपका यहाँ पे प्रेफरेंस यानी कि जो आपका यूज है वो चेंज हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर रिव्यू में आपको ये बताया जाता है कि भैया इसका बैटरी उतना अच्छा नहीं है, उसका डिस्प्ले जो है वो मजा टाइप नहीं आ रहा, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा है, कैमरा अच्छा है, लेकिन आपके दिमाग में क्या जाएगा कि नहीं यार इसका तो डिस्प्ले उतना अच्छा नहीं है, तो फिर फायदा नहीं इस चीज को। लेकिन आप वहां पे क्या चीज भूल गए कि भैया आपको डिस्प्ले से उतना ज्यादा मतलब नहीं, आपको मतलब किन चीज था, आपको मतलब था कि भैया कैमरा उसमें ज्यादा अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए उसी तरह से अगर आपको मल्टीमीडिया का बहुत ज्यादा शौक है, मूवीज वगैरह बहुत ज्यादा देखते हो, स्ट्रीमिंग वगैरह बहुत ज्यादा करते हो, तब उस केस में अगर डिस्प्ले में प्रॉब्लम होता, मान लीजिए एमोलेड की जगह एलसीडी होता, तो आप उस केस में उस चीज को छोड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपका प्रेफरेंस क्या था, कैमरा, कैमरा के बाद परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बाद बैटरी। उस हिसाब से क्या हुआ कि जब आपने वीडियो देखा तो आपका यहाँ पे डिसीजन चेंज हो गया, और उसके बाद नया डिसीजन बन गया कि भाई अगर आप 30,000 रुपए लगा दोगे तब आपको वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। और आपके साथ खेला क्या यहाँ पे हो गया कि 25,000 का जो आपका बजट था, जो कि ऑलरेडी 20 से आप 25 में आए थे, वो अब बढ़कर जो है 30,000 में चला गया है। जब 30,000 में चला गया है, उसके बाद फिर से जब आप वीडियो वगैरह देखोगे तो किसी के साथ कंपेरिजन देख लोगे, किसी के साथ ड्रेन टेस्ट वगैरह देख लोगे, किसी के साथ ऐप ओपनिंग स्पीड देख लोगे, और फिर से रिव्यू वगैरह देखोगे और कंफ्यूज वगैरह हो जाएगा, और उसके बाद जो है अपने ही डिसीजन के ऊपर आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं होगा। और गलती से आपने वो स्मार्टफोन को ले लिया, और लेने के बाद अगर आप वीडियो देखते हो ना मेरे भाई, तो आप अच्छा स्मार्टफोन भी अगर चुनिएगा ना, तो आपके दिल में कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी स्मार्टफोन को अगर आपको चुनना है, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ही चुनिए, अपने बजट के हिसाब से ही चुनिए। मान लीजिए 22,000 का बजट है, 2,000 रुपया आप बढ़ा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई 22,000 का बजट है तो 30,000 में चले जाइए, समझ रहे हैं ना मेरी बात। क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है कि आज के टाइम में स्मार्टफोन इतना ज्यादा लॉन्च हो रहा है ना, जिसका कोई भी हद नहीं। आप आज कोई स्मार्टफोन ले लो, एक महीना के बाद आपको ऐसा खुद फील होगा कि थोड़ा दिन रुक जाते ना तो और भी अच्छा स्मार्टफोन मिल जाता, लेकिन ये जो तलब है ना, हम बता रहे हैं कभी भी नहीं मिटने वाला। तो अपने डिसीजन को रिस्पेक्ट कीजिए, और जो स्मार्टफोन पसंद आता है ना, यूज के अकॉर्डिंग आग बंद करके ले लीजिए, और लेने के बाद ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ज्यादा रिव्यू मत देखिए, देखना ही है तो ये देखिए कि भाई उसमें क्या क्या फीचर्स वगैरह दिए गए हैं, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स है, कैमरा का सेटिंग्स क्या है, ये सारी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन कंपैरिजन वाली जो वीडियो होती है ना, वो लेने के बाद मेरे हिसाब से थोड़ा सा
अवॉइड करना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कोई भी स्मार्टफोन आप परचेस कर लीजिए, फिर चाहे वो 20,000 का स्मार्टफोन हो या फिर 25,000 का स्मार्टफोन हो या फिर 30,000 का स्मार्टफोन हो, स्मार्टफोन जो है एक डिप्रिसिएटिंग एसेट है। यानी कि कोई भी स्मार्टफोन आप परचेस कर लो, आज जो प्राइस में खरीदोगे उसका जो है एक महीना के बाद जो है ना वो वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। 20 का स्मार्टफोन अगर आपने परचेस किया है, एक महीना के बाद जाके बेच के देख लो, आपको इतना ज्यादा गंदा रेट बोलेगा ना दुकानदार कि आपका दिमाग भिन्ना जाएगा, समझ रहे हैं ना। 20 का स्मार्टफोन 13,000 में मांगता है मेरा भाई। तो हमेशा कोई भी स्मार्टफोन में इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि स्मार्टफोन का प्राइस बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। वक्त के साथ कोई भी स्मार्टफोन का प्राइस बढ़ता नहीं मेरे भाई। अब इसी वीडियो में एक छोटा सा चीज यहाँ पे मैं एड ऑन करना चाहता हूँ, एक छोटा सा एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी स्मार्टफोन, खास करके जो महंगे वाले स्मार्टफोन आता है ना 50,000, 60,000, 80,000, वो स्मार्टफोन को कभी भी ईएमआई पे कभी भी परचेस मत कीजिए। कह के देखिए ईएमआई पे आप लोग परचेस तो कर लेते हैं लेकिन गलती से स्मार्टफोन आपसे टूट जाता है तो भैया आपने स्मार्टफोन का पैसा भरा भी नहीं है, यहाँ पे एक और चूना लग गया, और मंथली ईएमआई भरना वो अलग है, और साथ ही साथ अगर चोरी हो गया गलती से तो फिर भैया क्या ही कहना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्मार्टफोन जो है एक डिप्रिसिएटिंग एसेट है, यानी कोई भी स्मार्टफोन को जैसे आप परचेस करोगे ना तो उसका प्राइसिंग गिरता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप कोई भी स्मार्टफोन को जो है ईएमआई पे परचेस करते हो, आपका हर महीना इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे जुड़ के जो ऐसा कटता है, और एक बार आपने कभी कैलकुलेट कर लिया ना कि आपका इंटरेस्ट कितना गया है महीने के हिसाब से ये होता है, तो आपको समझ में आएगा कितना ज्यादा इंटरेस्ट आपने एक स्मार्टफोन के पीछे भर दिया। तो अगर आपको ईएमआई पे ही कोई चीज लेना है तो भाई घर ले लो, बाइक ले लो, कार ले लो, वो सारी चीजें आप ले सकते हो, लेकिन स्मार्टफोन मेरे हिसाब से भाई 50-60 हजार का स्मार्टफोन या फिर 1,00,000 का स्मार्टफोन ईएमआई की तरफ मत जाइए। झूठ मूठ का आपका पैसा लगेगा और हर महीना जो पैसा कटने का जो टेंशन होता है ना वो एक अलग टाइप का ही होता है। और एक चीज तो हमको समझ में नहीं आता कि भाई ईएमआई पे लेके शो ऑफ क्यों करना है मेरे भाई, कि हमारे पास एप्पल का फोन है, हमारे पास अल्ट्रा वाला फोन है, अंदर से कैसे फीलिंग आ जाता है मेरे भाई। आपने उधारी में ऑलरेडी स्मार्टफोन लिया है और हर किसी को चमकाते हुए फिर रहे हो। तो एक छोटा सा एडवाइस था, हमको नहीं लगता कि टेक चैनल में कोई आप लोगों को जो इस टाइप से एडवाइस दिया, क्योंकि तो ऑलरेडी नुकसान वाली बात हो जा रही है ना, क्योंकि ऐसा खुल के तो कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन क्या ही करे, दिल में जो आता है वो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देते हैं। चमकाने के चक्कर में कभी भी उधारी में फोन नहीं खरीदना है, समझ रहे ना दोस्तों, ये चीज कभी मत कीजिए। बजट वाले स्मार्टफोन की तरफ जाइए और अपना दुगो पैसा ही बचाइए और टेंशन से दूर रहिए। अब चर्चा कर लेते हैं कि बजट वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर एक्सपेंसिव वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए। अब इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड डिटेल में हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसके लिए जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर छोटे शब्दों में आपको हम यहाँ पे बताएं तो मेरे हिसाब से एकदम सिंपल है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है मेरे भाई। अगर आपको यूज है, अगर आपको वो स्मार्टफोन से आपका रोजी रोटी चलता है, यानी कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर है, वीडियोस वगैरह शूट करते हो या कुछ भी करते हो, वो स्मार्टफोन से कुछ पैसा आप अर्न कर रहे हो, तब आप उस केस में महंगा वाला स्मार्टफोन ले सकते हो। वहां पे वीडियोस क्वालिटीज वगैरह आपको अच्छा मिल जाएगा, गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जो भी आप काम करते हो उस हिसाब से आप महंगा वाला स्मार्टफोन ले सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको महंगा वाला स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेना है कि भाई आपको चमकाना है, मार्केट में वही चीज चल रहा है कि भाई पीछे एप्पल वा दिखेगा, बहुत ही इज्जत मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, 2 दिन आपको इज्जत मिलेगा, लोग पूछेंगे कि भाई वाह आपने एप्पल ले लिया, लेकिन ईएमआई कौन भरेगा, उन लोग थोड़ी ना भरेगा, आप ही लोग ना भरेंगे। तो एक्सपेंसिव फोन जो है मेरे हिसाब से आपको तभी लेना चाहिए जब आपका उससे कुछ काम निकल रहा हो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उठता कि मैं तो आपको मना कर रहा हूँ कि महंगा स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरे हाथ में खुद S23 है। मैंने जब ये स्मार्टफोन को लिया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि S23 मैं वीडियो शूटिंग के लिए ले रहा हूँ, यानी कि एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे बहुत सारी वीडियोस वगैरह बनाना होता है, और Realme X3 से मैं वीडियोस वगैरह शूट करता था, वो स्मार्टफोन टूट गया था, जिसके कारण जो है हमको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए था जिससे मैं बेहतरीन टाइप की वीडियोस वगैरह निकाल पाऊं, फ्रंट कैमरा से भी एज वेल एज रियर कैमरा से भी। अब लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा, भैया जितना पैसा आपने इसमें लगाया था 70,000 रुपए, उतना में तो कैमरा आ जाता, कैमरा बेशक आ जाता, लेकिन वहां पे चलते फिरते रिकॉर्डिंग कैसे करते, यानी कैमरा तो आपको मिल जाता है लेकिन स्टेबिलाईजेशन नहीं मिलता, OS वाला जो कैमरा होता है ना वो थोड़ा सा महंगा भी आता है, और मान लीजिए उसमें OS नहीं है तो आपको एक अलग से गिम्बल खरीदना पड़ेगा स्टेबिलाईजेशन के लिए। हमको एक फोन ही खरीदना था और फोन के साथ हम थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल थे उस वक्त के हिसाब से, इसलिए हमने यहाँ पे S23 में इन्वेस्ट किया था। और देखिए अभी के टाइम में मैंने इसे बहुत सारी वीडियोस वगैरह भी YouTube का शूट वगैरह किया, उसके बाद अभी कैमरा में स्विच किया, यानी कि इस फोन से मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के इस फोन का ना एकदम वसूल दिया है। अब मार्केट में ये भी चला हुआ है कि ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया है कि अगर 20,000 का स्मार्टफोन है ना तो वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर 30,000 का स्मार्टफोन है, 25,000 के ऊपर है, तो बहुत ही ज्यादा बेमिसाल स्मार्टफोन होगा। प्राइसिंग के हिसाब से लोग स्मार्टफोन को भी तोलना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी के टाइम में थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज है, थोड़ा सा अगर आपने रिसर्च कर लिया, तो आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे स्मार्टफोन जो पिछले साल लॉन्च हुए हैं आपको जो है 20,000, 22,000, 23,000 में, इवन 25,000 रुपए में भी आपको बहुत अच्छा डील मिल जाता है। इवन यहाँ पे कैमरा भी अच्छा मिल जाएगा, परफॉर्मेंस भी आपको तगड़ा मिल जाएगा दोस्तों। तो कभी भी पैसों के हिसाब से ऐसा मत सोचिए कि 30,000 रुपए लगाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन मिलेगा।
2020 से लगेंगे ना तो उतना अच्छा स्मार्टफोन नहीं मिलेगा। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं कि कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एक स्मार्टफोन में। मेरे हिसाब से आपको आंसर मिल ही गया होगा कि भाई 25,000 या फिर 30,000 के अंदर अगर कोई स्मार्टफोन आप खरीदते हो तो मोटा मोटी आपको वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। झूठ मूठ का 35,000, 40,000, 50,000 का स्मार्टफोन को परचेज करने की जरूरत नहीं है। यूज है तब उस केस में आप महंगा वाला स्मार्टफोन ले सकते हो, लेकिन जो फेयर प्राइस है आज के टाइम में हमको ऐसा लगता है 30,000 रुपीज में आपको वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। तो पहला सावधानी यही है कि महंगा स्मार्टफोन खरीदने के चक्कर में मत जाइए, बजट वाले स्मार्टफोन लीजिए, 1-1.5 साल रगड़ के यूज कीजिए, उसके बाद जब आप उसको सेल करोगे ना तो आपको वैल्यू भी अच्छा लगेगा और आपके दिल में सुकून भी आएगा कि भैया आपने वो स्मार्टफोन को रगड़ के यूज किया है। और दोस्तों लास्ट में हम आपसे यही चीज कहना चाहेंगे, कभी भी शो ऑफ के लिए ना स्मार्टफोन को परचेस मत कीजिए, कहे कि 2-3 दिन चमकाने में बहुत मजा आता है, उसके बाद दिल पे जो है ना उसका प्राइस का बोझ बढ़ता चला जाता है। बाकी आपके दिल में ये वीडियो देखिए क्या क्या सोल्यूशन आया है, ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, मेरी बात अच्छी लगी या बुरी लगी, जो कुछ भी लगा कमेंट में लिख दीजिए, लेकिन जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए आप सभी लोग अपना।